पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक या म्युनिसिपल वेस्ट होता है या लेगेसी वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो भी होती हैं, इनको हम एक साथ डाल देते हैं। और इसके लिए हमें सेग्रीगेशन नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वेस्ट को डिकम्पोज या उसको तोड़ने के लिए उसका क्या करना पड़ता है हमें, सेग्रीगेशन। इसमें क्या है, देखो, पॉली मतलब ज़्यादा, क्रैक मतलब तोड़ता है उनको। तो वो ये टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा वेस्ट डाल देते हैं, वो अपने आप ही उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो हमें सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी अभी रेलवेज ने प्लांट लगाया है इसका ओडिशा में, ठीक है, और ये फोर्थ प्लांट है। इससे पहले भी 3 प्लांट इंडिया लगा चुका है। तो ये है पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। इसमें मॉइस्चर की टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, जो भी गंद बाहर पड़ा होगा उसमें मॉइस्चर भी देखने को मिलता है। मॉइस्चर होगा तो ही ना उस पर बैक्टीरिया एक्ट करना शुरू करेगा, है कि नहीं। सो इसमें हमें, बाकी टेक्नोलॉजीज में हमें क्या करना पड़ता है कि पहले उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है, फिर उसमें से मॉइस्चर को रिड्यूस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू बर्न। गीली लकड़ी इतनी आसानी से नहीं जलती जितनी सूखी जलती है, सेम। लेकिन यहां पे हमें मॉइस्चर की कोई टेंशन नहीं है। समझ आ गया? देन क्या होता है ये बायोचार? बायोचार क्या होता है? कलर थोड़ी पूछा। अगर मैं पूछू ना कि पानी का कलर क्या है, फिर तुम बोलो ब्लू। अगर मैं पूछू पानी क्या है, तो फिर तुम फंस जाओगे। चार क्या होता है, ये बेसिकली इनकम्प्लीट कम्बशन का जो बाद में मिलता है हमें मटेरियल, दैट इज नोन एज चार, ठीक है। अब ये एक फ्यूल का काम कर सकता है, लाइक कोल सम सॉर्ट ऑफ। लेकिन हमें इसमें देखो, इनकम्प्लीट कम्बशन, ये ऑलरेडी एमिशंस रिलीज करके आया है। कम्बशन में एमिशंस रिलीज होंगी ही होंगी। अगर हम इसको फिर यूज करेंगे तो ये फिर क्या करेगा, एमिशंस को रिलीज करेगा, ठीक है। हमें इसको एज ए फ्यूल यूज करना जरूर है, लेकिन विद नो एमिशंस। उसको क्या बोलते हैं, बायोचार। लेकिन वो करेंगे कैसे, हमें ये क्या नहीं करना है, कंबशन नहीं करना है। तो उसको कैसे डिग्रेड किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ पायरोलिसिस। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हीट प्रोवाइड की जाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन जिसको बोला जाता है, वो हीट सिर्फ बैक्टीरिया को, एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए दी जाएगी, ना कि उसको जलाने के लिए, ठीक है। सो थर्मल डिकम्पोजिशन होगी इसमें, और जो रिजल्टेंट मटेरियल निकलेगा, दैट इज नोन एज बायो चार। ठीक है, ये चीज़ें बार बार न्यूज़ में आती रहती हैं, आप करते जाना, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यार। प्रोसेस ध्यान रखना बस। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। सर्कुलर इकॉनमी, सर्कुलर एग्रीकल्चर आजकल बहुत चल रहा है, सर्कुलर टेक्सटाइल्स बहुत चल रहा है। सर्कुलर टेक्सटाइल्स पे तो मतलब चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के, बहुत मेजर ब्रॉड थीम। हाँ, सर्कुलर टेक्सटाइल्स लिख लीजिए, सर्कुलर टेक्सटाइल्स। मैंने इस पर एक आर्टिकल बनाया था, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं सर को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। सर्कुलर टेक्सटाइल्स से सर्कुलर एग्रीकल्चर पे अच्छे से फोकस करो। और क्या बताया आपने अभी, सर्कुलर इकोनॉमी तो ब्रॉड टर्म आ गया ना, उसके अंदर की बात करेंगे हम। कल संडे है, मैं अच्छा खासा आपके लिए मटेरियल बना लूँगा। मैं क्या करता हूँ, लूज शीट्स पे बनाता हूँ तो वो गुम हो जाती हैं। माँ मेरी ना झाड़ू मारती है और निकाल देती है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो कहाँ गया वो बाहर, तो वो कपड़ा हो जाता है मेरा। है क्या, यही तो चक्कर है, ठीक है। अभी देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। व्हाई इट इज
इम्पोर्टेंट पहले डायमेंशंस बताओ मेरे को आप, मैं इतने दिनों से आपके सामने ढोल पीट रहा हूँ, अब बताओ कि इथेनॉल हमें अपने पेट्रोल में ब्लेंड करने की क्या नौबत आन पड़ी। एग्जैक्टली, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे बचेंगे, या ऐसा बोलो फॉरेक्स रिजर्व कुछ आगे चला जाता है टर्म, हमें क्या करना है। हाँ एग्जैक्टली, हमें अपनी इंपोर्ट बिल को कम करना है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, ओके एमिशंस पॉल्यूशन ठीक है। तीसरा, सेल्फ सस्टेन, ओके चलो ठीक है, सस्टेनेबल चाहिए हमें, चलो। और देखो आजकल ना एक बज़ वर्ड चल रहा है जिसको आप नहीं छोड़ सकते, कहीं भी घुसेड़ दो उसको, ये हर कहीं सूट कर जाता है, ठीक है, क्योंकि इथेनॉल हम खुद बना रहे हैं, ठीक है, और पेट्रोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जितना हम इथेनॉल की ब्लेंडिंग करते जाएंगे पेट्रोल के साथ, हमारी क्या बढ़ती जाएगी, आत्मनिर्भरता बढ़ती जाएगी, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, वो वाला पैसा हम कहीं और यूटिलाइज कर सकेंगे। वन अनदर डायमेंशन एंड दैट इज मेजर डायमेंशन, दैट इज फार्मर ड्यूज। बाकी आप दुनिया में हर जगह इथेनॉल 10 इथेनॉल 20 की बात चल रही है, ये एक वो डायमेंशन है जिसपे आपको मेंस में क्वेश्चन बनाना है या आंसर बनाना है, ठीक है। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। होता क्या है, इथेनॉल बनाया किससे जाता है, रेजिड्यू से, उसका कौन सी प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, शुगर से बनाया जाता है ये, ठीक है। इंडिया में शुगर कितनी प्रोड्यूस की जाती है, 44.6 मिलियन टन, जिसमें से हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन कितनी है, 27.6 मिलियन टन, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन है, पीछे कितना बचा, 17, इसमें से हम 6 to 7 मिलियन टन क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और बाकी का जो रेस्ट है वो हम किसको देते हैं, डिस्टिलरीज को, जो लोग ड्रिंक्स वगैरह बनाती हैं, अल्कोहल वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है, आफ्टर ऑल फर्मेंटेशन हो रही है ना, इथेनॉल अल्कोहल मिथाइल जो भी बन रहा है इसी से बन रहा है, ठीक है, तो ये हम कहाँ दे रहे हैं। अब इस कैटेगरी में से हम 2.3 मिलियन टन किसको दे रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को। अब मेरी बात समझ आई, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ गया, शुगर, सॉरी शुगर बनाता कौन है इंडिया में, शुगर मिल्स, क्लियर, शुगर मिल्स बनाती हैं डेफिनेटली, शुगर मिल्स किसका बनाती हैं, ये केन का, गन्ने का, ठीक है, किसान अपना गन्ना लेकर आता है मिल को देता है, मिल उसको पैसा नहीं दे पाती क्योंकि मिल की शुगर जो है इतनी अच्छी बिकी नहीं रही, क्या करेगा वो, ठीक है, ऑल्दो हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन इतनी है बट रेट हम हाई नहीं कर सकते इसके, ठीक है, इसलिए शुगर मिल्स जो है वो फार्मर्स को उनका ड्यू टाइम पे नहीं दे पाते, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए था कि शुगर मिल के पास शुगर के अलावा एक और इनकम होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, अपना ये बेचना शुरू कर दिया, किसके लिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए, और इसमें से जो भी पैसा आ रहा है वो किसको दे रहे हैं, अब समझ आया, अगर आपने ये डायमेंशन डाल दी वो बंदा आपको उसी टाइम बोलेगा कि भाई तू डायरेक्ट आ जा मेरे पास इंटरव्यू के लिए, मेरे घर ही आ जा, तू तो भगवान है, क्या बात लिखी है तूने, मेरी बात समझ आ रही है आपको, वो ठीक है बोलो, ये है इसका सारा, बाकी आपको न्यूज़ में मिल जाएगा इथेनॉल, इसको हो क्या रहा है, इथेनॉल 10, अब इथेनॉल 20 की बात हो रही है, ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोल में, ठीक है, इससे एमिशंस कम हो जाएंगे, वो तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी में हो रहा है वही लिख देना, क्या फर्क पड़ता है, वहाँ रायता ही फैलाना है लेकिन दिमाग के साथ, सबके बस की बात नहीं है इतनी डायमेंशंस निकालना,
ठीक है, ये यहां तक तो निकल जाएंगी, ये नहीं निकलेगी किसी से भी। ठीक है, अभी आप इस पर लिख लो, मैं आपको लिखवाता हूँ थोड़ा सा। कहाँ गया? यस, मिल गया। सेंटर इथेनॉल ऊपर लिखना, इथेनॉल हेडिंग डालना, इथेनॉल। कम ऑन क्विक। सेंटर रोल्ड आउट 20% ईबीपी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इन 11 स्टेट्स एंड यूटीज। सेंटर रोल्ड आउट 20% ईबीपी इन 11 स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, शुगर यूजेस आपने लिख ली, लिखो शुगर यूजेस। 44.4 मिलियन टन इज टोटल प्रोडक्शन। ट्वेंटी 7.3 मिलियन टन इज डोमेस्टिक यूजेस है। अच्छा, बाहर है। क्या लिखा आपने? 27.3 मिलियन टन डोमेस्टिक यूजेस, 9 to 11 मिलियन टन एक्सपोर्टेड, 9 to 11 मिलियन टन एक्सपोर्टेड एंड 3.6 मिलियन टन डाइवर्टेड फॉर इथेनॉल। एंड 3.6 मिलियन टन डाइवर्टेड फॉर इथेनॉल। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ, गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 6 मिलियन टन ऑफ सरप्लस शुगर सिक्स मिलियन टन ऑफ सरप्लस शुगर टू बी डाइवर्टेड एनुअली टू बी डाइवर्टेड एनुअली फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन बाय 2025-26। फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन बाय 2025-26। हैं, क्या कह रहा है? डोमेस्टिक नीड में देखो, चीनी जहाँ यूज़ हो रही है, चीनी ए टू जेड प्रोडक्ट्स में, सब में यूज़ हो रही है। कोई प्रोडक्ट ऐसा है नहीं जहाँ चीनी यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाला तो हम छेड़ ही नहीं सकते, उसको बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। भले जितना मेरे डायबिटिक, इंडिया सेकेंड है डायबिटीज़ में, लेकिन स्टिल शुगर हमें बहुत प्यारी है। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, आज की न्यूज़ क्या है वही बता रहा हूँ आपको। आज की न्यूज में गवर्नमेंट ने ये जो है ना, ये वाला एक्सपोर्ट वाला एंगल, इसको एक्सपोर्ट को क्या कर दिया है अभी, और रोक दिया है। आज की न्यूज है ये। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स रोक दिए हैं। क्यों? अभी तो गन्ना पहुंचा भी नहीं है खेत में, उधर मिल में, पहले क्यों रोक दिया? एग्जैक्टली, प्रोडक्शन कम हो रही है। क्यों हो रही है? ड्यू टू हीट वेव। फरवरी का महीना है, बाहर स्वेटर पहन के नहीं जा सकते तुम लोग, लेकिन गन्ने को पूरा का पूरा उसमें क्या बनने के लिए, फ्रुक्टोज, वो आने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर एवरेज मिनिमम टेम्परेचर चाहिए उसको, वो नहीं मिल रहा उसको, इसलिए गन्ना तो बन रहा है लेकिन उसमें कंटेंट नहीं है, समझ रहे हो? तो शुगर ही नहीं बनेगी, तो ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम डाल के अपनी डोमेस्टिक नीड को पूरा करेंगे, इसलिए हमने क्या रोक दिया, अपने एक्सपोर्ट्स रोक दिए। ठीक है, लिखिए, 80% ऑफ शुगर इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड बाय महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका। प्रोड्यूस्ड बाय MHUPKA, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 77,000 करोड़ सेवेंटी सेवन थाउजेंड करोड़ इथेनॉल रेवेन्यू जनरेटेड, इथेनॉल रेवेन्यू जनरेटेड सिंस 2014 सिंस 2014 फॉर शुगर मिल्स, डिस्टिलरीज,
फ्रॉम देयर सेल टू OMCs, फ्रॉम देयर सेल टू OMCs. व्हाट आर OMCs हेयर? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. समझ आया ये वाला पॉइंट? 77,000 करोड़ उन्होंने 2014 से अभी तक कमा लिए हैं. किन्होंने? शुगर मिल्स ने. कैसे? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेच के. क्या? इथेनॉल, क्योंकि उन्होंने ब्लेंड करना है किसके साथ? पेट्रोल के साथ. और यही 77,000 करोड़ उन्होंने वापस किसको दे दिया? जो केन ड्यूज उन पे लायबल बने हुए थे, उन्होंने अपनी लायबिलिटी उतार दी. समझ आए बात? ठीक है, गुड. नेक्स्ट पॉइंट, 50 मिलियन हाउस होल्ड्स, 50 मिलियन हाउस होल्ड्स आर एम्प्लॉयड इन केन प्रोडक्शन, आर एम्प्लॉयड इन केन प्रोडक्शन विद 0.5 मिलियन मिल वर्कर्स. 5 मिलियन मिल वर्कर्स. मिलियन, अरे बिलियन, अरे क्या बोलता है? ठीक है. नेक्स्ट लिखिए इसी में, हाउ द गवर्नमेंट हैज फैसिलिटेटेड, ये क्वेश्चन, हाउ द गवर्नमेंट हैज फैसिलिटेटेड, हाउ द गवर्नमेंट हैज फैसिलिटेटेड द इंडस्ट्री इन इथेनॉल प्रोडक्शन, द इंडस्ट्री इन इथेनॉल प्रोडक्शन. द गवर्नमेंट हैज, फर्स्ट पॉइंट इसी में, द गवर्नमेंट हैज बीन एनकरेजिंग शुगर मिल्स इधर. क्या है, कोई डिलीवरी शिलीवरी वाले हैं क्या? कौन सा काम? कंस्ट्रक्शन वगैरह. अच्छा, वो तो इधर है. इधर गप मारते हैं. कौन बोला? तुम बोले. किसके साथ? ओके. गवर्नमेंट हैज बीन एनकरेजिंग शुगर मिल्स टू एनहांस देयर डिस्टिलेशन कैपेसिटीज, एनहांस देयर डिस्टिलेशन कैपेसिटीज by providing an interest subvention of 6%, by providing an interest subvention of 6%. very 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 important point. 6% interest subvention of 6%. Government has also allowed the production of ethanol. Government has also allowed the production of ethanol from heavy molasses, from heavy molasses, MOLASSES, comma, sugarcane juice. पिया है शुगरकेन जूस कभी? उसमें इथेनॉल होता है, तभी नशा हो जाता है आप लोगों को. शुगरकेन जूस कॉमा शुगर सिरप. ये पिया कभी शुगर सिरप? नहीं पिया. ओ नहीं हो, ये शुगर सिरप वो जिसमें आपकी जलेबी होती है, वो तू क्या करता है? कफ सिरप. अरे जिसमें जलेबी डुबोती है ना, वही शुगर सिरप. वो पीना नहीं है, वो डेंजरस होता है. कब से रहता है? गुड. शुगर सिरप हो गया. एंड हैज फिक्स्ड
फिक्स्ड एंड हैज फिक्स्ड रेम्यूनरेटिव एंड हैज फिक्स्ड रेम्यूनरेटिव एक्स मिल प्राइसेस ऑफ इथेनॉल एक्स क्या था एक्स मिल प्राइसेस ऑफ इथेनॉल डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस फीड स्टॉक्स फीड स्टॉक मतलब कि हम इथेनॉल के लिए क्या यूज कर रहे हैं लाइक शुगर शुगर मोलासेस शुगर जूस या शुगर सिरप ठीक है नेक्स्ट पॉइंट जीएसटी रेट ऑन इथेनॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंट फॉर द ब्लेंडिंग प्रोग्राम वॉज ऑल्सो ब्रॉट डाउन फ्रॉम 18% to 5% जीएसटी की स्लैब है ना ये टैक्स स्लैब ठीक है देखो ये सब इंसेंटिव ये सब आपने पॉइंट्स अगर लिख दिए तो ज़रूरत ही नहीं है आपको कि वो नंबर देगा कि नहीं देगा डेफिनेटली देगा क्योंकि उसको भी नहीं पता इतने पॉइंट्स तो ठीक है नेक्स्ट लिखी है डीनेचर्ड इथेनॉल क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है डीनेचर्ड इथेनॉल इथेनॉल पहली बात तो फर्मेंटेशन से बनता है नेचुरल प्रोसेस होती है ठीक है लेकिन डीनेचर इथेनॉल में क्या होता है कि हम जानबूझ के इसमें एडल्ट्रेटेड या टॉक्सिक सब्सटेंसेस डालते हैं ठीक है लिखिए व्हेन इथेनॉल इज एडल्ट्रेटेड विद टॉक्सिक और बैड टेस्टिंग एडिटिव्स like methanol benzene and castor oil ठीक है तो ये था आपका इथेनॉल का बाकी आप इसमें देख लेना कि अभी क्या टारगेट्स हैं क्या नहीं है बट एक मेन इंटेंट आपको बता दिया है कि क्या चल रहा है ठीक है ओके गुड नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या मतलब होता है इसका हाँ जी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हाँ वो तो मुझे भी पता है ये तो पिछले 4 साल से न्यूज़ में है 2018 से लगातार न्यूज़ में है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल अभी हमने डिस्कस किया गुरु इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल फ्लेक्स फ्यूल हो गया ना फ्लेक्सिबल फ्यूल है उसमें दो तरह के फ्यूल मिक्स हो रखे हैं ठीक है अभी हम इथेनॉल अच्छा ठीक है अगर हमें पता है कि इथेनॉल जो है वो इतना अच्छा है पेट्रोल के साथ मिक्स करने में तो क्यों ना हम उसको डायरेक्ट 50% की रेशो में ले जाएं कर सकते हैं अगर रिडक्शन हम इतनी कम करनी है तो एमिशंस कर सकते हैं कि नहीं बट नहीं कर रहे हम धीरे धीरे चल रहे हैं पहले क्या E10 अब E20 इथेनॉल कितना होगा पेट्रोल की मात्रा में 20% वाई नॉट 50 डायरेक्ट इंजन नहीं चल पाएगा इसीलिए क्या बनाए हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स मतलब ये कि इनके जो इंजन्स हैं उनमें अब मेटल्स की जगह क्या यूज किया जा रहा है क्योंकि ये इंजन सिर्फ किसको झेल सकते हैं पेट्रोल या फिर डीजल को अगर इनमें दूसरा फ्यूल ऐड कर दिया तो ये जो मेटल है ये क्या कर जाएगा करोड हो जाएगा क्रोजन पकड़ लेगा दैट्स वाई अब उनके कुछ कुछ जो अंदर मटेरियल्स हैं वो किसके बनाए जा रहे हैं रबर के ताकि वो करोड ना करें ये है आपके फ्लेक्स फ्यूल
व्हीकल्स। क्लियर है? बाकी इस एनर्जी वाले सेक्शन में ये था मोटा मोटा अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया। इसमें कुछ स्कीम्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए स्कीम्स का। फर्स्ट फेम वन फेम टू उज्ज्वला 1.0। स्पेलिंग गलत लिखता है, उज्ज्वला 1.0 एंड 2.0। सौभाग्य उजाला ऊर्जा इंडिया, उदय ठीक है। ये सब न्यू इनके बारे में एक आइडिया रखना कि क्या है, क्योंकि ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं। बाकी अभी आप लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फटाफट से। टेस्ट था ना, मैंने बोला था ना कल, बोला था हाँ, लिखो शाबाश। डिस्पाइट ऑफ इंडिया हैविंग पेज चाहिए और दे दो भाई पेज इसको। नहीं, इसका मत यूज करो। अरे कोई इतनी सारी लूज शीट्स हैं। अरे रुक रुक, मेरे पास है यार, मैं दूं क्या? डिस्पाइट ऑफ इंडिया इंडिया हैविंग ग्रेट पोटेंशियल इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर डिस्पाइट ऑफ इंडिया हैविंग ग्रेट पोटेंशियल इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर Why there is slow growth? ऐसे लिखो, Why India is not able to achieve its intended targets? Why India is not able to achieve its intended targets?